ये जो कार है हायोंडई की वेरना है, जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो ईपीएस की देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट ऑन है और थोड़ा इसके अंदर ये प्रॉब्लम है इसका स्टीयरिंग, जब हम लोग घुमाते हैं कभी कभी एक साइड ओके चलता है, एक साइड जाम हो जाता है, और समटाइम मॉर्निंग में ठीक चलता है, समटाइम कभी इवनिंग में ऐसा प्रॉब्लम आता है, कोई मतलब वो नहीं, कभी ओके चलता है कभी नहीं। तो इसको स्कैनिंग करते देखते क्या डीटीसी ट्रबल कोड इसके अंदर दिखा रहा है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है कि मतलब मोटर का प्रॉब्लम है या ईपीएस का इशू है। तो अगर हम लोग स्कैनिंग करें तो पता चल जाता है, या इसके अंदर जो मोटर का वायर, उसके अंदर अगर हम लोग टेस्टर जो बल्ब है, टेस्टिंग लैम्प, उसको लगा के इसको घुमा के देख सकते हैं, अगर उसके अंदर करंट आ रहा है तो मोटर का इशू है। ज़्यादातर मोटर का ही प्रॉब्लम आता है, ऐसा नहीं कि ईपीएस भी ख़राब होता है बट मोटर का भी आता है। तो इसको देख लेते, स्कैनिंग करते, लोकल डायग्नोस पे क्लिक करना, जैसा कि देख सकते हो इसका विन नंबर के हिसाब से इसने रीड कर लिया ऑलरेडी। ठीक है, अभी देखो एक तरफ जाम हो जा रहा है फिर छोड़ दे रहा है, तो उसको ऑटोमेटिकली टेस्ट करते हैं। कंट्रोल यूनिट्स यहाँ पे आपको मिलेगा, ईपीएस रीड फॉल्ट कोड, तो जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो फॉल्ट दिखा रहा है C2415 मोटर ग्राउंड इंस्ट्रक्शन फॉल्ट वगैरह, मतलब मोटर का फॉल्ट दिखा रहा है इसके अंदर। बट इस केस में बहुत कम बार ऐसा होता है कि इसका ईपीएस भी ख़राब होता है, ऐसा नहीं कि ख़राब नहीं होता इसका ईपीएस, बट ज़्यादातर अगर गाड़ी ओल्ड हो गई 5 साल 7 साल तो मोटर का इशू आता है, क्योंकि चल चल के इसका जो कार्बन है या जो इसका स्प्रिंग है कार्बन का, ठीक है, उसके अंदर जो टेंशनर वो ख़त्म हो जाता है, इसकी वजह से ये इशू आता है। देख सकते हो ये जो फॉल्ट कोड आ रहा है C2415 मोटर का इशू दिखा रहा है इसके अंदर। तो एक तरीका और है मैनुअल भी, अगर आपका स्कैनर नहीं तो इसका जो मोटर का वायर है, ठीक है, जो मोटर के दो वायर रहते हैं, एक रेड एक ब्लैक कलर के मोटे वाले, दो तो डायरेक्ट बैटरी से मेन रहते हैं, मतलब एक ब्लैक आते हैं जो मोटे दो वायर, उसको लगा के भी चेक कर सकते, देख सकते हो ईपीएस की लाइट अभी भी ऑन है इसके अंदर, फॉल्ट क्लियर करेंगे तो चले जाएगा बट वापस से आएगा। ठीक है, तो उसमें टेस्ट लैम्प लगा के भी देख सकते हो, इसमें मैं फॉल्ट क्लियर कर लेता हूँ फिर देखता हूँ वापस आ रहा है क्या। इसको गाड़ी बंद कर लेना है, सिर्फ इग्निशन ऑन रखना है, क्योंकि अगर हम लोग गाड़ी स्टार्ट पे करते हो तो समटाइम फॉल्ट क्लियर नहीं होता है। कंप्लीट रीड फॉल्ट कोड, तो देख सकते हैं अभी नो ट्रबल कोड दिखा रहा है यहाँ पे। गाड़ी वापस से मैं स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा स्टीयरिंग घुमाता हूँ फिर देखता हूँ फॉल्ट आ रहा है क्या। अभी लाइट नहीं आ रही है, मैं कर रहा हूँ वापस से, अभी इसको स्कैनिंग कर दे। अभी मैंने थोड़ा स्टीयरिंग घुमा लिया, अगर कुछ फॉल्ट रहेगा तो आ जाएगा ईपीएस। ठीक है, अभी तक नो ट्रबल कोड आया, थोड़ा सा इसको गाड़ी रनिंग करना पड़ेगा फिर देखते हैं। और लाइव डाटा में भी जाके हम लोग यहाँ से देख सकते हैं इसको, जो लाइव डाटा डाटा स्ट्रीम है यहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हैं कि मतलब इसका टॉक सेंसर काम कर रहा है कि नहीं, ईपीएस के अंदर मेन करंट आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे पूरा ऑल्टेज दिखाता है, देख सकते हो अभी लाइव डाटा के अंदर। अगर स्टीयरिंग घुमाएंगे तो टॉक सेंसर काम कर रहा है, देखो मैं स्टीयरिंग घुमा रहा हूँ तो काम कर रहा है, और बैटरी वोल्टेज जो इसका मतलब फ्यूज़ ओके है कि नहीं भी पता चलता है, यहाँ पे देख सकते हो 14 वोल्टेज दिखा रहा है, यानी मेन करंट इसके अंदर आ रहा है। ये भी लाइव डाटा डाटा स्ट्रीम में जाके ये सब चेक कर सकते हो आप। गाड़ी खड़ी है इसलिए क्लिक स्पीड नहीं दिखा रहा है, बाकी सब काम कर रहा है। इंजन आरपीएम भी दिखा रहा है इसके अंदर, मोटर करंट भी दिखा रहा है, यानी करंट आ रहा है। अगर आपके पास स्कैनर है तो इसमें देख के पता चल जाता है कि स्टीयरिंग हम लोग घुमा रहे तो मोटर को करंट दे रहा है, लेकिन अगर स्टीयरिंग नहीं चल रहा तो 101% मोटर का ही इशू है। और अगर टेस्टिंग लैम्प जैसे स्कैनर नहीं तो टेस्ट लैम्प के थ्रू मोटर का जो वायर है उसमें लगा के चेक कर सकते हो आप, स्टीयरिंग घुमाने के बाद करंट आ रहा है तो मोटर का प्रॉब्लम है। इसका मैं एक बनाऊंगा अलग से वीडियो,
बट इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अभी मोटर का, तो उसका मोटर अभी हम लोग रिप्लेस करने वाले हैं। वीडियो को पॉज करता हूँ मैं, थोड़ा नया डाल देंगे। बट मैं खोल के दिखाता हूँ इसका जो मोटर है। बहुत लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं कि भाई जो मोटर की ऊपर की वो है वो कैसे निकलती है इसकी, ये इसका मोटर अभी मैंने पूरा छुट्टा कर दिया इसको। इसके लिए बहुत लोग पूछते कि इसका जो गियर है ये ऊपर का ये कैसे निकलता है इसका, ठीक है। तो इसको एक पंच लेके आप ठोक के इसको निकाल सकते हो, बहुत ईजिली निकल जाता है। कुछ ऐसा ही नहीं इसमें टूट नोट निकल। देखो ये पंच बनाया हुआ है हम लोगों ने, यहाँ पे ऐसा सेंटर में रख के मारोगे तो ये निकल जाता है, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में रख के मारेंगे तो ये निकल जाता है। ये यहाँ पे ऐसा लगा हुआ रहता है, इसको यहाँ पे ऐसा सेंटर में रख के मारेंगे तो निकल जाता है, ठीक है। या ऐसा आप पकड़ लो या किसी और चीज़ से पकड़ के यहाँ ऐसा सेंटर में रख के मार देंगे तो इजीली बाहर आ जाता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये, इसका जो कार्बन ख़राब होता है, क्योंकि अब हम लोग इसका कार्बन रिप्लेस करते हैं, अगर थोड़ा मोटा कार्बन लगा दिए रफ़, मतलब जो हार्ड रहता है, तो फिर मोटर अंदर थोड़ा हल्का सा साउंड आता है। अगर इसका अगर मोटर का इशू आता है तो आप इसका सिर्फ क्या बोलते हैं स्प्रिंग रिप्लेस करो तो बेटर रहता है, जो इसका कार्बन का स्प्रिंग है। लेकिन अगर हम लोग कार्बन वगैरह रिप्लेस करते हैं तो थोड़ा सा मोटर में साउंड आ जाता है, बट बेटर यही रहता है कि मोटर रिप्लेस। तो हम लोगों ने इसका मोटर जो है न्यू लगा दिया है, ठीक है। और सिर्फ मैंने आपको ऐसा खोल के दिखाया है इसका जो कार्बन ऑलरेडी किधर, कस्टमर ने पहले इसको रिपेयर किया हुआ था बट वो चल नहीं रहा था, ठीक है। तो बेटर यही रहता है कि आप इसका मोटर नया डाल दो तो अच्छा है, लेकिन अगर आपके पास बजट नहीं तो रिपेयर करा के भी काम चला सकते। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।